अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली द थिंग इज़ के थोड़ा सा आज थोड़ा एक ब्लंडर हो गया। हुआ ये है कि आज की मॉर्निंग हम लोग बहुत लेट शुरू कर रहे हैं और उसका रीज़न मैं आपको बताने लगी हूँ। हुआ ये कि हम सहरी के लिए नहीं उठ पाए बिकॉज़ वी वर सो टायर्ड। दो तीन दिन से ना नींद पूरी नहीं हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग सहरी के लिए नहीं उठ पाए। और मैं भी फील कर रही हूँ कि कुछ रूटीन में चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ना मुश्किल हो जाएगा। तहरान को ही मौसम की नियत करके सोई थे तो रोज़ा तो है, और अभी मैं तहरान को पराठा, अंडा और चाय है, चाय तो है पीता नहीं है लेकिन सिर्फ डिप करती हूँ पराठा इसका, तो वो इसको खिला रही हूँ। उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूँगी। 12:30 का टाइम आई थिंक हो चुका है और इंशाल्लाह ताला आज थोड़ी क्योंकि नींद पूरी हुई है तो आई फील गुड। रमज़ान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो सही होता है, नींद पूरी नहीं होती है। एंड सो लेट्स सी अभी इसका क्या सलूशन निकलता है। अभी के लिए मैं तहरान को ये नाश्ता का ख़त्म करा लूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी, कुछ बर्तन है धोने वाले वो सारा क्लीन अप करूँगी और फिर उसके बाद मैं इफ्तार की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ पर हमारी फुल्की रेडी हो रही है, आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, प्याज मैं अभी काटने लगी हूँ, और फिर यहाँ पे जो है कि थोड़े से मैंने फ्राइज़ के लिए रखा है सामान। दिस इज़ द दही दैट आई रेडी कर रही हूँ दही फुल्की के लिए और चटनी के लिए। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इजी, तो इस तरह से करना बहुत इजी हो जाता। एक्चुअली मैं अभी एक हाथ से कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अगर ये आप आराम से करो फिर इतना ज़्यादा, लेकिन इट्स वेरी इजी। यहाँ पे मैंने ये रेडी कर लिया है दही, इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक और काली मिर्च ऐड की है, और यहाँ पे मैंने ये जो चटनी है भी रेडी कर ली है। जो मेरी फुल्की है ये ऑलमोस्ट बस इसे मैं ड्रेन आउट करने वाली हूँ, आलू भी हो गए हैं। ये एक्चुअली हस्बैंड को ये पसंद है सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ, तो मैं ये इसी तरह से ही बनाती हूँ। अब इफ्तार का टाइम आ गया है करीब, मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी और अभी मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। पकोड़े के इस बैटर में डालूंगी एक अंडा, ये मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। मेन वाइज मैंने फ्रूट चाट भी बना ली थी, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। कल जिनके घर मुझे इफ्तार आया था मैं उनके घर इफ्तार भेजूंगी आज।
मैं पी रही हूँ चाय और जीता पाकिस्तान जल रहा है एज यूजुअल। और अफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, मैंने बहुत दिनों के बाद आज फ्रूट चाट बनाई है। एक्चुअली ये था कि रमज़ान में लास्ट ईयर भी कोई ख़ास फ्रूट्स नहीं थे, इस साल पे यही है कुछ ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं, बट ये है कि एटलीस्ट दो तीन फ्रूट्स हैं जिसको आप मिक्स कर सकते हैं। हर बड़ा मज़ा आया फ्रूट चाट खा के और पकौड़े भी खा के। तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई एम वेरी 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 सॉरी, बहुत डिटेल में व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ऑब्वियसली रमज़ान में शूट करना मुश्किल होता है, बट जैसे भी है आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।